नमस्कार, जहाज से इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत दो अंक के प्रश्न के आधार पर छोटे से महत्वपूर्ण प्रश्न को जान रहे हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का व्यंजक लिखे। तो आइए इस छोटे से महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जाने। हम अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का व्यंजक स्थापित नहीं कर रहे, सिर्फ सूत्र लिखेंगे। तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है, आइए जानते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें किसी अभिक्रिया का सांद्रण घटकर आधा हो जाता है, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, वह समय जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे उस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो आइए इस छोटे से बिंदु को हम जानें, फिर उसके पश्चात व्यंजक को जानेंगे। तो प्रथम इस प्रकार से अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है, तो किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें अभिक्रिया का सांद्रण घटकर आधा रह जाता है, अर्थात आधी अभिक्रिया हो जाती है, उसे उस क्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। अर्ध आयुकाल को T1/2 से दर्शाते हैं। पुनः जान सकते हैं, किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें अभिक्रिया का सांद्रण घटकर आधा रह जाता है, उसे उस क्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। अर्ध आयुकाल को T1/2 से दर्शाते हैं, अर्थात आधी अभिक्रिया हो जाती है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का व्यंजक लिखें। तो व्यंजक इस प्रकार से रहेगा, अर्ध आयुकाल के व्यंजक T1/2 = 0.693/K, अर्थात अर्ध आयुकाल दर स्थिरांक के व्युत्क्रम होता है। T1/2 अर्थात अर्ध आयुकाल, K यहाँ पर दर स्थिरांक है, तो T1/2 दर स्थिरांक के व्युत्क्रम होता है। तो अर्ध आयुकाल का जो व्यंजक है इस प्रकार से होगा, T1/2 = 0.693/K। हम अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का व्यंजक स्थापित नहीं कर रहे, सिर्फ सूत्र लिखा हमने। तो ये प्रश्न सिर्फ दो नंबर के आधार पर है। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।